आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं आया हूँ छत्रपति संभाजी नगर के सिद्धार्थ गार्डन में प्राणी संग्रहालय देखने के लिए, और इसका मत्स्यालय का और गार्डन का वीडियो भी है, वो देखना मत भूलिए। इस प्राणी संग्रहालय की एंट्री फीस है 50 रुपये दोस्तों, और देखेंगे अलग अलग प्रकार के प्राणी, इसलिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आते ही यहाँ पे कालवीट है दोस्तों, ये देख सकते हो आप, वहाँ पे कालवीट दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे कालवीट है दोस्तों, वहाँ पे आराम कर रहे हैं। वो देखिए वहाँ पे ब्लैक कलर का हरी हिरण दिखाई दे रहा है। ये है हाइस्ट्रिक्स इंडिका, यानी कि सायार, आप देख सकते हैं ये सायाड़ कैसा है। कुछ तो खा रहा है, खाने में व्यस्त है। ये है दोस्तों बोला क्या कल इधर आके गया, और झगड़े कर रहे हैं, इधर आ गया है। ये देखिए आगे पीछे इधर उधर ये घूम रहा है। ये देखिए ये है बंदर दोस्तों, माकड़, ये सो गया है शायद। अभी चेहरा दिखाई दे रहा है। ये देखिए ईमू पक्षी बहुत ही नजदीक आ गया है। ये अरे मोरे अरे ईमू पक्षी, इसका चेहरा देख सकते हो आप, थोड़ा दूर से ईमू पक्षी कैमरा को जोश मारा तो कैमरा फूट जाएगा। काफी क्लियर चेहरा दिखाई दे रहा है दोस्तों इसका, और काफी यूनिक पक्षी है ये, आप देख सकते हो इसके पैर कैसे हैं। नीचे उसका ईमू, ये देखिए यहाँ पे सायार जो है वो अंदर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे आ गया, सायार नजदीक आ गया है। अरे ऊपर चढ़ गया, दांत कैसे हैं देख सकते हो आप। ये देखो दांत दिखाई दे रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, शायद ये नील गाय है। अरे महसा है वो, ये
ये सांबर है दोस्तों, काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है। ये जो दिखाई दे रहा है वो नील गाय है। ये देख सकते हैं, इसका शरीर जो है वो गाय के जैसा आप देख सकते हो, मगर मुंह जो है वो हिरण के जैसा दिखाई दे रहा है। इसलिए इसे नील गाय कहते हैं शायद। ये देखिए दोस्तों, इस म्यूजियम में सर्पालय भी है। अब हम जाएंगे सर्पों को, स्नेक्स को देखने के लिए सर्पालय। यहाँ पे कौन सा सांप है दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे क्रोकोडाइल है मगर अंदर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, कछुए आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही यूनिक कछुए है। बहुत ही यहाँ पे भीड़ है देखने के लिए आज। ये देखिए दोस्तों, ये है मांडुल का, दोनों साइड में मुंह जैसे शिकल शकल होती है, ऐसा लगता है कि दोनों साइड में मुंह है इसका। आप पहचान नहीं पाओगे कि किस साइड में मुंह है, हालांकि एक साइड में इसके पूंछ होती है और एक साइड में इसका मुंह होती है, मगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ऐसा लगता है कि दोनों साइड में मुंह है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है सांप का कौन सा है, मगर आप इस मटकी के बीच में सांप देख सकते हो, बहुत ही डेंजर दिखाई दे रहा है ये सांप। ये देखिए दोस्तों, ये है अजगर, इसके जो फर्सी रखी है उसके नीचे आराम कर रहा है। बहुत बड़ा अजगर है मगर गर्मी का आराम चालू है उसका। ये देखिए, यहाँ पे और एक अजगर है, ये भी उस फर्सी के नीचे आराम कर रहा है, टाइल के नीचे। गर्मी का मौसम है इसलिए शायद आराम चालू है। ये देखिए, ये बिन विचारी अजगर है मगर बहुत ही बड़ा है दोस्तों। ये भी फर्सी के नीचे सब पांच पल आराम कर रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे अजगर है, ये थोड़ा सा बाहर दिखाई दे रहा है, और डेंजर भी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसने ये सो गया है। देखिए काफी डेंजर और काफी बोनस यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक साफ नहीं बहुत सारे बोनस है यहाँ पे। इस तरह से ये इसकी टंग अंदर बाहर हो रही है, आप देख सकते हैं ये टंग जो है वो अंदर बाहर कर रहा है। दे रहा है, ये देखिए उसका मुंह कैसा है, आराम कर रहा है ये। काफी डेंजरस है।
स्नेक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। ये है दोस्तों इंडियन कोबरा, आप देख सकते हैं उस पार्टी के पीछे अंदर जाके बैठा है, ये काफी डेंजर दिखाई दे रहा है, किस तरह से घेरा किया है उसने, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे भी आराम कर रहा है, तो ये था दोस्तों सिद्धार्थ उद्यान के प्राणी संग्रहालय में, ये था दोस्तों सर्पालय, और इसके बाद हम जाएंगे और भी प्राणी देखने के लिए प्राणी संग्रहालय के। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बंदर है, बहुत ही बढ़िया। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत से क्यूट रैबिट्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे रैबिट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोस्तों रैबिट से किस तरह से ये खाना खा रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे पक्षी घर भी आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे दोस्तों, बहुत ही सुंदर और अलग अलग टाइप के यहाँ पे पक्षी है, वो देखिए वहां पे भी एक पक्षी है। यहाँ पे भी पक्षी है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़े हाथी हुआ करते थे, मगर वो शायद बीच में खबर आई थी कि वो मर गए, तो यहाँ बहुत अच्छे और बड़े हाथी हुआ करते थे। ये देख सकते हैं आप दोस्तों इसके अंदर मगरमच्छ है, मगर वो पानी में आराम कर रही है, बाहर नहीं आई हुई। ये देखिए बहुत ही बड़े बिपटिया या चीता, ये आप इसे कह सकते हैं, यहाँ पे है दोस्तों। इधर के तरफ देख रहा था मगर अभी नहीं देख रहा, काफी नजदीक है ये दोस्तों, उधर जा रहा है मगर, इधर जाके सो गया है। बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है, सो गया। ये देखिए दोस्तों आप यहाँ पे शेर दिखाई दे रहे हैं, काफी बढ़िया उनकी चाल यहाँ पे दिखाई दे रही है दोस्तों, उनकी जो स्टाइल है चलने की वो दिखाई दे रही है यहाँ से, बहुत ही यूनिक स्टाइल से चलते हैं। ये देखिए किस तरह से चल रहा है बाघ, वो काफी बढ़िया चाल है उसकी, अंदर जाके बैठ गया है। इस तरफ आया है दोस्तों घूमकर, काफी नजदीक आया है। और फिर से उधर जा रहा है, ये देखिए ये व्हाइट टाइगर, किस तरह से ये
अंगड़ाई दे रहा है, आप देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, वाइट टाइगर है ये आराम कर रहा है। यहाँ पे है दोस्तों बहुत ही ढेर सारे हिरण। तो ये था दोस्तों सिद्धार्थ गार्डन के प्राणी संग्रहालय का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसके बाद मत्स्यालय का भी वीडियो और इस सिद्धार्थ गार्डन का भी वीडियो देखना मत भूलिए। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके पिछले वाले भी व्लॉग देखना मत भूलिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।